नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार यादव आप सबका माय मूवमेंट SW1 पर स्वागत करता हूं। पिछले वर्ष की भांति 2020 भी हमारा बीता हुआ कल हो चुका है दोस्तों, और 2021 हमारा आज अर्थात हमारा वर्तमान। और नव वर्ष के आगमन होते ही पर एक शब्द बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होता है, वह है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का अर्थ होता है संकल्प, और प्रत्येक वर्ष अनगिनत लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। एक गहरे संकल्प शक्ति को जागृत करने के लिए जरूरी है एक गहरे जुड़ाव की, और प्रकृति के इस गहरे जुड़ाव के साथ तालमेल बनाने के लिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने 5000 वर्ष पूर्व योग विद्या हमें वरदान के रूप में उपहार दिया है। दोस्तों, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज से हुई है, जिसका अर्थ ही होता है जुड़ाव, या कह सकते हैं संयोग या एकता। तो यह एकता या जुड़ाव योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के अभ्यास और उनके नियमों के पालन से प्राप्त होती है। लेकिन वर्तमान काल में योग के 3 अंग आसन, प्राणायाम और ध्यान ही प्रचलित हैं। इन तीनों अंगों के अभ्यास मात्र से ही कोई भी व्यक्ति आत्मदर्शन को उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि योग व्यवहारिक स्तर पर हमारे शरीर, मन और भावनाओं के बीच संतुलन और तालमेल बनाने का एक साधन है। या आप कह सकते हैं योग व्यक्ति को वामन से विराट बनने के लिए या समग्र रूप से स्वयं को रूपांतरित और विकसित करने के लिए एक आध्यात्मिक विद्या है। योग अपने आप में एक जीवन दर्शन है दोस्तों। योग एक आत्म अनुशासन है। तो हम एक एक करके आसन, प्राणायाम और फिर ध्यान की विधियों के सीखेंगे। सर्वप्रथम आसन के हम कुछ योगासनों की श्रृंखलाओं का एक एक करके अभ्यास सीखेंगे, तत्पश्चात हम प्राणायाम और ध्यान की विधियों को सीखेंगे। जब हम इन तीनों अंगों का अभ्यास करते हैं तब हम मन और श्वास और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं। और जब हम अपने मन, श्वास और शरीर के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो जाते हैं, तो हमारा जीवन का हर एक पल योगमय हो जाता है दोस्तों, या हमारा जीवन का हर एक पल संकल्प रहित हो जाता है। क्योंकि एक सच्चा और सफल व्यक्ति वही है जो अपने जीवन के हर एक पल को एक गहरे संकल्प के साथ जीता है। तो आज से ही हम यही संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन के हर एक पल को एक गहरे संकल्प के साथ जिएंगे। तो सबसे पहले मैं आज की इस वीडियो से मैं शुरुआत करूंगा आसनों की, एक एक आसनों की श्रृंखलाओं का, और हम एक एक आसन का उसके मेथड को और उसके लाभ और उसकी सावधानियां तमाम चीज़ों पर हम एक एक करके बात करेंगे दोस्तों। तो इसके पहले हम समझ लेते हैं आसन क्या है। आसन शरीर की उस स्थिति से है जिसमें आप अपने शरीर और मन को स्थिर, शांत और सुख से रख सकें। इसलिए संस्कृत में एक शब्द है दोस्तों, स्थिर सुखम आसनम, अर्थात सुखपूर्वक बिना किसी कष्ट के एक ही स्थिति में अधिक से अधिक समय तक बने या बैठे रहने की क्षमता को आसन कहते हैं। और योग शास्त्रों के अनुसार 84 लाख आसनों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, और इन सभी आसनों का नाम जीव जंतुओं और प्रकृति के नाम पर ही आधारित है। और आज मैं जिस आसन की आपसे बात करने जा रहा हूं दोस्तों इस वीडियो में, वह है ताड़ासन। इसे अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे पर्वतासन। पर्वतासन इसलिए क्योंकि जब हम इस ताड़ासन की स्थिति में आते हैं तो हमारा पूरा शरीर और मन पर्वत की भांति शांत और स्थिर प्रतीत होता है, और इसे पाम ट्री पोज भी कहते हैं, क्योंकि इस ताड़ासन की स्थिति में आने से हमारा पूरा शरीर पाम ट्री की भांति लंबवत दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे पाम ट्री पोज भी कहते हैं। और इसे स्वर्गीय आसन भी कहते हैं। स्वर्गीय आसन इसलिए क्योंकि हमारा पूरा शरीर स्वर्ग की दिशा में अग्रसित होता है, इसलिए इसे स्वर्गीय आसन भी कहते हैं। ताड़ासन की जितनी तारीफ की जाए दोस्तों उतनी कम है। यह हमारे पूरे शरीर को लचीला बनाने के साथ साथ उसको सख्त और कड़ा होने से रोकता है, और यह हमारे पूरे शरीर को ढीला
विश्राम व जोड़ों को ढीला करने में बड़ी भूमिका निभाता है। इसके मैं मुख्य लाभ जरूर अंत में बताऊंगा और इसकी सावधानियां क्या हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा दोस्तों। पहले हम समझ लेते हैं इसके मेथड को कि कैसे ताड़ासन को अभ्यास किया जाता है। तो सर्वप्रथम बात आती है इसकी प्रारंभिक अवस्था की। तो इसकी प्रारंभिक अवस्था है दोस्तों सावधान की स्थिति, दोनों पैरों की पंजे आपस में सटे हुए, हाथ आपके इस प्रकार बाजू में और पूरा शरीर एक दिशा में लंबवत सीधा और आपकी निगाहें किसी सामने एक बिंदु पर केंद्रित। अब आपको इसी अवस्था में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को माथे के ऊपर ले जा करके इस प्रकार से इंटरलॉक कर देना है, वहाँ पर आकर के श्वास छोड़ देना है। अब यहीं से श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचना है और अपने पैरों की उंगलियों पर जाना है। इस प्रकार से देखिए, और इसी स्थिति में आपको अंतःकुंभक लगाकर बने रहना है। या दूसरा तरीका है, यहीं पर आपको श्वास लें और छोड़ें, मिनिमम 5 to 10 ब्रीदिंग काउंट तक आपको होल्ड करना है और फिर श्वास छोड़ते हुए आपको वापस आना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। ये है इसका करने का तरीका दोस्तों। मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। पूरा शरीर को स्ट्रेच कीजिए जिससे आपके कोर मसल्स में खिंचाव महसूस हो। जब ऐसा आप महसूस करें तब समझिए कि आपकी पूरी बॉडी की अच्छी स्ट्रेचिंग हुई है और धीरे धीरे वापस वही स्थिति में आ जाए। अब बात आती है कि जो पहली बार इसका अभ्यास कर रहा है वो कैसे करे, क्योंकि उंगलियों पर बैलेंस बनाना थोड़ा कठिन है दोस्तों। इसलिए दूसरा तरीका है, अपने पैरों को उंगलियों पर ना जाने की बजाय आपको पैरों के पंजों पर ही इसका अभ्यास करना है और पैरों में थोड़ा 5 से 6 इंच गैप भी ले लें, इतना दूरी में, और सेम उसी प्रकार से आपको अभ्यास करना है। ये है उनको जो प्रारंभिक अवस्था में जिनको दिक्कत आती है वो व्यक्ति इस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं, या जो अत्यधिक मोटे हैं जिनको बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, या जिन लोगों को घुटने में दर्द है दोस्तों वो विशेषकर ध्यान रखें कि उनको पैरों की उंगलियों पर जाके ना जा करके पैरों के पंजों पर ही अभ्यास करना है। अब बात करता हूँ इसके वेरिएशंस की। तो ताड़ासन के एक वेरिएशन है दोस्तों जिसे कहते हैं तिर्यक ताड़ासन, अर्थात लेटरल बेंडिंग ऑफ आवर स्पाइन। इसके लिए आपको करना क्या है, उसी तरह स्थिति में आना है प्रारंभिक अवस्था ऑफ ताड़ासना और दोनों को हाथों को इंटरलॉक करते हुए आपको इस प्रकार से इनहेल करके ऊपर स्ट्रेच करना है। पैरों की उंगलियों पर नहीं जाना है तिर्यक ताड़ासन में, पैरों के पंजों पर ही इसका अभ्यास किया जाता है और पूरी बॉडी को सांस लेते हुए स्ट्रेच करें। अब सांस छोड़ते हुए राइट साइड आपको कमर के हिस्से से बेंड करना है, सांस छोड़ते हुए। और लोअर बॉडी पूरा आपका स्ट्रेट रहेगा, घुटने नहीं मोड़ना चाहिए, और श्वास लेते हुए वापस आना है। इस तरह आपको दोनों साइड करना है। इसमें भी आपको जो पहली बार अभ्यास करेंगे उनको थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो आपको पैरों में थोड़ा 1 से 1.5 फुट या 2 फुट जितना अपनी सुविधा अनुसार दूरी ले लेनी है और फिर आपको करना है उसी प्रकार से इनहेल स्ट्रेच एंड एक्सेल एंड बैंड। और दूसरी बात ध्यान रखनी है, तिर्यक ताड़ासन में आपको हाथों को केहनियों से मोड़ना नहीं है, पूरे हाथों को जितना ज़्यादा स्ट्रेच रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग होगी दोस्तों। ये थे इसके तिर्यक ताड़ासन और ताड़ासन के अभ्यास करने के मेथड। अब मैं बात करता हूँ इसकी सावधानियों की। तो जिनको लो बीपी या हाई बीपी की समस्या है वो भी किसी अपने डॉक्टर से सलाह ले लें या किसी योगा इंस्ट्रक्टर के निर्देश में ही इसका अभ्यास करें। और जिनको घुटने में अत्यधिक दर्द है वो लोग पैरों के उंगलियों पर अभ्यास ना करें,
अपने पैरों के पंजों पर ही अभ्यास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी अपनी स्थिति की अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल कर लें और डॉक्टर की सलाह से ही उसका अभ्यास करें। और जिनको अत्यधिक सिर दर्द रहता है उस समय इसका अभ्यास ना करें, और यह जरूर सुनिश्चित रखें कि आप हमेशा खाली पेट हो। सबसे उत्तम टाइमिंग है करने की इसकी मॉर्निंग में ही दोस्तों, लेकिन इस आसन को आप कहीं भी कर सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि खाना खाने के पश्चात 2-3 घंटे बाद ही इसका अभ्यास करें। ये थी इसकी सावधानियाँ। अब मैं इसकी बेनिफिट की बात करता हूँ। तो सर्वप्रथम यह हमारे पूरे शरीर की मोटापा को कम करने में मदद करता है, क्योंकि एक ऐसा आसन है दोस्तों जो कि पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग करने में अकेला सक्षम है। तो जो हमारी मांसपेशियों के परत के नीचे जो एकत्रित चर्बी होती है उनको यह पूरी तरीके से बर्न करता है और हमारे शरीर के वजन को कम करने में मदद करता है दोस्तों। दूसरा है बच्चों की हाइट के लिए यह बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास है, तड़ासना और तिर्यक तड़ासना, क्योंकि यह हमारे पूरे स्पाइन और शरीर के संपूर्ण जोड़ों को अच्छी तरीके से स्ट्रेच करता है और उनको ढीला करता है, और वहाँ हमारे साइनोवियल फ्लूइड की अच्छी तरीके से जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो हमारे शरीर के हाइट को बढ़ाने में जितने भी हमारे सहायक तत्व हैं टिश्यूज लिगामेंट्स और हमारी मांसपेशियाँ इनको पूरी तरीके से स्ट्रेच करता है और हमारी हाइट की अच्छी ग्रोथ करवाता है दोस्तों। तीसरा है यह हमारे पीठ दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है तड़ासना। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हमारे पूरी बैक मसल्स की अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग होती है, और वहाँ भी जितने भी हमारे जो अतिरिक्त गांठें बन चुकी होती हैं पोस्चर बिगड़ने की वजह से उनको या सुधारने में मदद करता है और हमारी दर्द धीरे धीरे गायब होने लगती है। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों इसका, आपको पैरों को पूरी तरीके से मजबूत बनाने में यह सक्षम है तड़ासना, क्योंकि जब हम पैरों की उंगलियों पर जाते हैं तो आप देखिए हमारे काफ मसल्स, हमारी हैमस्ट्रिंग, हमारी क्वाड, इन तमाम मांसपेशियों पर पूरी तरीके से स्ट्रेच करता है उनको और मजबूत बनाता है, या पैरों की मजबूती के लिए और हमारे घुटनों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाता है यह तड़ासना। और नेक्स्ट लाभ इसका यही है कि जिनको घुटनों के दर्द में घुटने में दर्द है तो उनको तड़ासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया जिनको अत्यधिक दर्द है वो पैरों के पंजों पर ही अभ्यास करें, ना कि उंगलियों पर। यह हमारे नसों और मांसपेशियों के दर्द को कम करने में बहुत ही सहायक है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बोला ये हमारे पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग करता है, इसलिए जिनको नसों में दर्द है या मांसपेशियों में दर्द है शरीर के किसी भी हिस्से में वो तड़ासन का अभ्यास जरूर करें। यह हमारे एकाग्रता और संतुलन को बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास है दोस्तों तड़ासना, क्योंकि जब भी बैलेंसिंग की बात आती है तो आप तभी बैलेंस कर सकते हो जब आपके शरीर और मन के बीच में, माइंड के बॉडी और माइंड के बीच में एक गहरा कनेक्शन हो, जैसा कि मैंने कहा जुड़ाव, और इस जुड़ाव के वजह से ही हमारा फोकसिंग पावर इम्प्रूव होता है, हमारी एकाग्रता इम्प्रूव होती है और हमारा बैलेंस भी इम्प्रूव होता है। तड़ासन की एक और बहुत ही खास बात है दोस्तों, इस आसन के अभ्यास से हमें चलने की कला सीखने को मिलती है, क्योंकि बहुत लोगों को यह पता नहीं होता कि चला कैसे जाता है, आढ़ा टेढ़ा हिलते डुलते इस प्रकार से, क्योंकि आपके पूरे बॉडी बॉ स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से अलाइन करता है और आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है दोस्तों तड़ासना। और जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है उनको भी तड़ासना नियमित रूप से डेली 5 से 10 मिनट अभ्यास करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण लाभ मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को मॉर्निंग में स्वच्छ क्रिया करने में दिक्कत होती है उनको तड़ासना और तिर्यक तड़ासना दोनों सुबह सुबह गुनगुने पानी पी करके अभ्यास कीजिए, 5 मिनट के अंदर ही आपको स्वच्छ क्रिया आने लग जाएगी और आपका पेट पूरी तरीके से साफ हो जाएगा दोस्तों। तो पेट की समस्याओं, कब्ज, गैस जिनको बनता है उनके लिए भी यह बहुत ही रामबाण है दोस्तों, क्योंकि आपके जब पेट पूरे साफ होंगे तो इन सारी पेट की समस्याओं से आप निजात पा लेंगे। ये थे इसके बहुत ही अनगिनत लाभ हैं दोस्तों, जितना भी बात किया जाए, जितने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा हैं जिसमें सबसे पहले जिस आसन का नाम आता है वह है तड़ासना, तब इसका अभ्यास जरूर करें। और टाइमिंग इसका बढ़ा सकते हैं, मिनिमम आपको मैंने बोला अगर ब्रीदिंग को आप लेते हैं और छोड़ते हैं तड़ासन की स्थिति में तो आप मिनिमम 5 से 10 ब्रीदिंग काउंट तक आपको होल्ड करना है, या आप कुंभक लगा के करते हैं तो आप कम से कम 5 से 10 सेकेंड तक आपको होल्ड करना है इसी स्थिति में कुंभक में। और इस अपर टाइमिंग की कोई लिमिट नहीं दोस्तों, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, जितनी देर लंबी टाइमिंग तक आप बढ़ा सकते हो उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलता है।
ये हमारे हाथों की मजबूती को भी प्रदान करता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी तो इम्प्रूव करता ही करता है दोस्तों। ये थे ताड़ासन के कुछ लाभ मैंने आपको बताए। तो मेरी तरफ से इस नव वर्ष की आप सभी मेरे व्यूअर्स को हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि आपका हर एक जीवन का हर एक पल खुशियों से भर जाए। और मैं मनोज यादव आपसे अलविदा लेता हूं, और जल्द ही मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट योगिक आसन के सीक्वेंस में। तब तक के लिए अलविदा।